हेलो फ्रेंड्स, आपका भी टेक्निकल में स्वागत है और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लाऊं। जैसे मैं आपको बूट स्पीड टेस्ट कंपैरिजन देने वाला हूं MIUI 9 बीटा वर्सेस MIUI 10 बीटा। और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है वो है शाओमी का रेडमी नोट 3, जिसमें हमें MIUI 9 का ग्लोबल बीटा अपडेट देखने को मिलता है। और जो हमारे राइट हैंड साइड में है वो है रेडमी का नोट 4, जिसमें मैंने कल ही MIUI 10 का ग्लोबल बीटा अपडेट को डाउनलोड करा है। और दोनों डिवाइसेस में बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक MIUI 10 की एक इस बूट स्पीड टेस्ट वीडियो बनाई जाए कि कौन सा डिवाइस सबसे पहले बूट होके खुलता है। और अभी कुछ ही हफ्तों में रेडमी के नोट 3 में भी MIUI 10 का बीटा अपडेट आने वाला है, तो उससे भी एक रिलेटेड एक वीडियो आपको मिल जाएगी फुल कंपैरिजन के साथ। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए बूट स्पीड टेस्ट को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पावर बटन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी तरह से कंपैरिजन माना जाएगा। हम यहाँ पर रिबूट पे साथ में क्लिक करेंगे, तो हमने यहाँ पर साथ में क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडमी नोट 4 में पहले इसका जो लोडिंग का साइन होता है सबसे पहले बंद हुआ, और MI का लोगो भी सबसे पहले आया है। तो हमें यहाँ पर 2 GB रैम देखने को मिलती है, और हमें यहाँ पर मिलती है 4 GB रैम रेडमी के नोट 4 में। और जब ये ग्लोबल स्टेबल रोम में था रेडमी का नोट 4, तो ये 2 GB रैम वेरियंट से भी पीछे रह जाता था बूट्स में। तो जब से मैंने इसमें बीटा अपडेट को इंस्टॉल करा है, तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गई है एज़ कम्पेयर टू स्टेबल रोम, क्योंकि जो स्टेबल रोम है उसमें भी अब वो एक तरह से बीटा अपडेट ही हो चुका है, जो कि हमें उसके बग्स देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर्ड बाय एंड्रॉयड हट चुका था रेडमी के नोट 3 से, मगर रेडमी का नोट 4 सबसे पहले बूट होकर खुल चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर लोड हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था जैसे मैंने आपको बूट स्पीड टेस्ट दिया रेडमी नोट 3 वर्सेज रेडमी नोट 4, MIUI 9 वर्सेज MIUI 10 बीटा का। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।